नमस्कार, अशोका क्लासेज में आपका स्वागत है। अशोका क्लासेज स्टूडेंट्स के डिमांड पर टॉपिक वाइज टेस्ट की शुरुआत करने जा रही है। टेस्ट की शुरुआत हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से करेंगे। प्रागैतिहासिक काल से अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए 33 प्रश्नों का संग्रह है। आने वाले एग्ज़ाम में भी इन्हीं संग्रहों से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अतः इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि डिस्कशन आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम लोग आते हैं पहले प्रश्न की ओर। अग्नि का ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? ए पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए पूर्व पाषाण काल में मानव को अग्नि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। नेक्स्ट, अग्नि के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? ए पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नव पाषाण काल में, डी वैदिक काल में। तो अग्नि के ज्ञान की प्राप्ति तो हमें पूर्व पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन अग्नि के प्रयोग की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। इसका आंसर होगा डी मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है लंगनाज, बिरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी, मंडो। इसका आंसर होगा सी आदमगढ़। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग यह बात है कि आदमगढ़ के साथ राजस्थान के बागौर से भी पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कुंभकारी एवं पहिए का ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? ए नव पाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी पूर्व पाषाण काल में, डी ताम्र पाषाण काल में। तो इसका आंसर ए होगा, नव पाषाण काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चौपनी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदाहा से, डी सराय नहर राय से। तो इसका आंसर महदाहा होगा। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के महदाहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, सिर्फ सेंटेंस का अरेंजमेंट बदल गया है, अतः इसका आंसर भी बी महदाहा होगा। नेक्स्ट, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं? ए सराय नहर राय से, बी दमदमा से, सी महदाहा से, डी लंगनाज से। इसका आंसर बी दमदमा होगा। अभी तक ज्ञात पुरातात्विक स्रोतों से पूरे भारत में एक ही स्थान दमदमा है जहां से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ए नव पाषाण काल में, बी पूर्व पाषाण काल में, सी मध्य पाषाण काल में, डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका आंसर ए नव पाषाण काल होगा। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय है दोस्तों जब मानव कृषि कार्य से परिचित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य
कहाँ मिलता है? इसका ऑप्शन है ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्लामल्ला पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। इसका आंसर डी नर्मदा घाटी होगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य एमपी के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है और नर्मदा घाटी की खोज जो हुई है वो 1982 में की गई थी। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। इसका आंसर सी जौ होगा। लगभग 8000 ईस्वी पूर्व ही भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य, कहने का तात्पर्य है कि पश्चिम एशिया में मानव द्वारा उगाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ए कोल्डिहवा से, बी लहुरा देव से, सी मेहरगढ़ से, डी टोकवा से। इसका आंसर लहुरा देव होगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यूपी के लहुरा देव से मिला है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिला है, जबकि इस खोज के पहले प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ था, जहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडिहवा माना जाता था। अतः ऑप्शन को अच्छे से ध्यान में रखकर ही इस तरीके के प्रश्न का आंसर देंगे। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। इसका आंसर डी मेहरगढ़ होगा, जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी कुलडिहवा से, डी मेहरगढ़ से। दोस्तों, इसमें चूंकि लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, अतः इसका आंसर डी मेहरगढ़ होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। दोस्तों, इसका आंसर सी ताम्रपाषाण युग होगा। चालको का तात्पर्य ताम्र से है अर्थात तांबा, तथा लिथिक का तात्पर्य पाषाण अर्थात पत्थर से है, अतः इसका आंसर ताम्रपाषाण युग होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी, डी कालीबंगा। तो इसका आंसर बी मेहरगढ़ होगा। नेक्स्ट, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए के डी वाजपेयी ने, बी वी एस वाकड़ ने, सी एच डी संकलिया ने, डी मार्टिन व्हीलर ने। इसका आंसर दोस्तों सी एच डी संकलिया होगा। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्रामीण स्थल है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, नवदा टोली इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्रामीण स्थल है, न कि शहरी। नेक्स्ट,
नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर डी मध्य प्रदेश होगा। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में होगा। नवपाषाण युग में दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। ये समाधि विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है। बृहत पाषाण या मेगालिथिक के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश वर्ड मेगालिथिक अवश्य याद रखेंगे। नेक्स्ट, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुद्धिहाल से, बी संगनकल्लू से, सी कुलडीहवा से, डी ब्रह्मगिरी से। इसका आंसर बी संगनकल्लू होगा, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगर कभी पूछे कि संगनकल्लू किस राज्य में है तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमा, डी सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका आंसर ए गुफाओं के शैलचित्र होगा। नेक्स्ट, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर भी बी भीमबेटका होगा। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? देखिए, यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछ सकता है कि भीमबेटका कहाँ है। तो भीमबेटका की गुफाएं ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली, डी अब्दुल्ला गंज रायसेन। इसका आंसर डी अब्दुल्ला रायसेन होगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सिर्फ शब्दों और सेंटेंस का अरेंजमेंट यहाँ पे चेंज है, कुछ ऑप्शन यहाँ पे चेंज है। आंसर इसका भी वही होगा, बी भीमबेटका। नेक्स्ट, गैरिक मृद भांड OCP का नामकरण हुआ था? ए हस्तिनापुर में, बी अहिच्छत्र में, सी नोह में, डी लाल किला में। तो इसका आंसर ए हस्तिनापुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका आंसर ए उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ए ब्रह्मगिरी, बी बुरझोम, सी चिरांद, डी मास्की। इसका आंसर बी बुरझोम है। बुरझोम कश्मीर के श्रीनगर के निकट है। नेक्स्ट, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए बुरझोम से, बी कुलडीहवा से, सी ब्रह्मगिरी से, डी संगनकल्लू से। इसका आंसर भी दोस्तों ए बुरझोम होगा। नेक्स्ट, बिंद क्षेत्र के किस शिला श्रेय से
सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। ए मुरहना पहाड़, बी घघरिया, सी बगही खोर, डी लेखहिया से। दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मानव कंकाल जो मिला है वो लेखहिया से मिला है, अतः इसका आंसर डी लेखहिया होगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। इसका आंसर ए संस्कृति होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। इसका आंसर सी भोपाल होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम अब बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रख दिया गया है। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, काश्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? ए थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने, डी चाइल्ड ने। इसका आंसर ए थॉमसन है। थॉमसन महोदय ने 1820 ईस्वी में कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री को आधार बनाकर पाषाण, काश और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यह एक अच्छा क्वेश्चन है। ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी टेलर ने, डी चाइल्ड ने। इसका आंसर ए अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।